रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत 31 अगस्त से होगी, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। ऐसे में हम आपको गणेश जी से जुड़े मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, जिसमें से एक इश्कया गजानंद का मंदिर। यहाँ प्रेमी जोड़े हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाने की मुराद मांगने आते हैं और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यह मंदिर प्रेमी जोड़ों के बीच बेहद लोकप्रिय है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। राजस्थान का प्रसिद्ध इश्किया गजानन मंदिर, गुरु गणपति के नाम से मशहूर था ये मंदिर। यहाँ मोहब्बत की अर्जी लगाते हैं प्रेमी जोड़े, प्रेमी जोड़ों को मिलाते हैं गणेश जी। इनके दर्शन से जल्द पूरी होती है मुराद। गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत 31 अगस्त से होगी, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। इसी के साथ वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठेगा। इस दौरान गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए भी मंदिरों में लंबी कतारें लगेंगी। अपनी मनोरथ सिद्ध करने के लिए भक्त देश भर के विभिन्न गणेश मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में हम आपको गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर इश्किया गजानन जी मंदिर के बारे में बताएंगे। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर में भगवान गणेश का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है, जहाँ प्रेमी जोड़ों की हर मुराद पूरी होती है। प्रेमी जोड़े अपने प्यार की फरियाद लेकर यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए भगवान गणेश के इस मंदिर को इश्किया गजानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। देश भर में इश्किया गजानन जी मंदिर के रूप में पहचाने जाने वाले गुरु गणपति का अनूठा मंदिर जोधपुर शहर के परकोटे के भीतर जूनी मंडी में है। दरअसल मंदिर में गणेश चतुर्थी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बुधवार शाम को मेला सा रहता है। करीब 100 साल पहले एक संकरी गली के अंतिम छोर पर स्थापित गजानन की प्रतिमा शहर के गुरों का तालाब में खुदाई के दौरान मिली थी। तब वहां जैन मंदिर के गुरांसा लाल चंद्र भट्टारक मूर्ति को तांगे में रख कर लेकर अपने घर आए और मूर्ति को एक चबूतरे पर गुरुवार के दिन विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की थी। गणेश जी का ये मंदिर पहले गुरु गणपति के नाम से मशहूर था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में पहली मुलाकात के लिए प्रेमी जोड़े शादी से पहले आते थे। बता दें कि इस मंदिर का निर्माण ऐसे किया गया है कि जो लोग भी इसके आगे खड़े होते हैं, वो आसानी से दूर से नजर आते हैं। यही वजह है कि कपल्स की भीड़ यहाँ पर हर बुधवार लग जाती है। ये मंदिर कपल्स के मिलने का प्रमुख स्थान है, इस वजह से भी इश्किया गजानन इस मंदिर को कहते हैं। इस मंदिर में अपनी मुराद लेकर आजकल के युवा भी आते हैं। मंदिर में सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 से रात 9 बजे तक दर्शन की सुविधा है। बुधवार को रात्रि 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। इस मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा आज भी वैसी की वैसी ही है। उनकी श्रद्धा पर समय के बदलाव का कोई असर नहीं हुआ। जो लोग जयपुर घूमने आते हैं, ये मंदिर उनके बीच में भी मशहूर है और गणेश जी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।